सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कुर्बान अली खान और के टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने वीडियो पे बड़े आसानी के साथ व्यू कैसे ले पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसे एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो स्टेप बताऊंगा अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपके व्यू बड़े आसानी के साथ आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप मेरे बताए गए स्टेप पे फॉलो करते हैं, अगर आपको नए व्यू आएंगे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, डिसलाइक कर दीजिए, आपके मन में जो आए कर दीजिए, मगर मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ आपको व्यू आने ही आने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोम पे क्लिक करना पड़ेगा। क्रोम पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे youtube.com और फिर उसे सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा जूम कर लेंगे और फिर हम अपने चैनल के आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टूडियो पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये मेरा सेकंड चैनल है तो मैं इस पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। तब हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे। जूम कर लेने के बाद आपको आपके हर वीडियो में मैं जो सेटिंग बताऊंगा उसे अप्लाई करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए एडिट का ऑप्शन है, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा जूम कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है एंड स्क्रीन एंड एनोटेशन, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऐड एलिमेंट लिखा हुआ है, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वीडियो और प्लेलिस्ट, उसके राइट साइड में जो क्रिएट का बटन है अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है चूज ए वीडियो और प्लेलिस्ट, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक वीडियो चूज कर लेंगे जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो चलिए मैं एक वीडियो चूज कर लेता हूँ। तो चूज कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखा है क्रिएट एलिमेंट, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो देखिए यहाँ पे वो वीडियो आ गया है जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे रिसाइज कर देंगे ताकि लोगों को इस पर क्लिक करने में आसानी हो। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से ऐड एलिमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर से क्रिएट पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे चूज ए वीडियो और प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे और फिर से और एक वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो फिर से क्रिएट एलिमेंट पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से इसे रिसाइज कर देंगे। तो आपको भी इसी तरह करना है, आप यहाँ पे चार वीडियो लगा दीजिए, मैंने दो लगा के आपको बताया, आप चार लगा दीजिए चार बार क्लिक करके। तो इससे क्या होगा, जब कोई आपके वीडियो को देखेगा तो उसके एंड में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, तो वो क्या करेगा, इस वीडियो को क्लिक करके स्टॉप करना चाहेगा, या फिर आपके वीडियो अगर यहाँ पे उसको कुछ अच्छा लगे तो उस पर वो जरूर क्लिक करेगा। क्लिक कर अब आपके दूसरे वीडियो को देखेगा तो इससे आपके व्यू भी बढ़ेंगे और आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वो सब्सक्राइब भी जरूर कर। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दे और इस वीडियो के नीचे दिए गए इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दे और उसके बगल में दिए गए उस बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर वीडियो की अपडेट आप पा सके। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के खोखो नट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के पूछो तो थोड़ा राउंड।